हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आंवले की बहुत ही अच्छी रेसिपी। इसमें मैं ये 250 ग्राम आंवला काम में लूँगी। मैं इस रेसिपी को दो इंग्रेडिएंट से बनाऊँगी, एक आंवला, दूसरा गुड़। आंवला मैंने 250 ग्राम लिया है, गुड़ मैंने 200 ग्राम लिया है। आंवला और गुड़ दोनों ही अपने लिए फ़ायदेमंद है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आंवले की मीठी चटनी। आप इस चटनी को 5 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। 5-6 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको ब्रेड पर लगाकर भी जैम की तरह खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आंवले को बॉईल करना है, या तो आप आंवले को खुले बर्तन में, भगोने वगैरह में बॉईल कर सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, इसमें जल्दी बॉईल हो जाता है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब हमें एक सीटी लेनी है हाई फ्लेम पर। गैस को बंद कर देंगे, इसका सीटी निकलने का हम वेट करेंगे, तब तक हम प्रेशर कुकर को नहीं खोलेंगे। अब आप देखिए इसकी पूरी सीटी निकल गई है। अब हम कुकर को खोलेंगे, आंवले का पानी अलग कर देंगे, आंवला अलग कर लेंगे। अब हमें इन आंवले को पूरी तरह से ठंडा करना है। अब हमें इनके बीज निकालने हैं इस तरह से। सारे बीज हम निकाल देंगे, इस तरह सारे आंवले के बीज निकल गए हैं। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डालेंगे, पानी डालेंगे। पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अच्छे से पीस जाए, इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम इसको डायरेक्ट कढ़ाई में ही छान लेंगे। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ के पिघलने तक हम इसको चलाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पिघलाएंगे। अब गुड़ अच्छे से पिघल गया है, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि इसमें बबल्स आते हैं, इससे जलने का डर रहता है, तो आप गैस की फ्लेम लो कर लें। गुड़ पिघलने के बाद हमें इसको कब तक पकाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पकने के बाद, कि हमें इसको कैसे चेक करना है कि चटनी पक गई है। फ्रेंड्स, ये अपनी चटनी अच्छे से पक गई है, मैं आपको बताती हूँ इसकी पहचान कैसे करते हैं। हमें एक प्लेट लेनी है, थोड़ा सा इसमें चटनी डालेंगे। प्लेट को हम इस तरह से उल्टा करेंगे, चटनी में से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। आप देखिए ये एकदम से सेट हो गई है, इसका मतलब चटनी पक गई है। हम ये चेक इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें यदि पानी रह जाएगा तो हम इसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, चटनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आंवले की मीठी चटनी। आप इसको ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के जार में रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, 5-6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप भी इंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।